यारी एक से ही रखो अल्लाह वाहे गुरु राम से कभी किसी को दोस्त बना लिया उसको सारी पट्टी पढ़ाता है फिर उसको दोस्त बना लिया कईयों को तो बिना दोस्त के कब्जी हो जाती है नहीं हकीकत है ही जब तक दो चार इधर उधर की ना करें तो फारग नहीं होते उस काम से रोटी हजम नहीं होती जब तक उनसे बातें ना कर लें और बने भगत हम तो जी भक्त बने किसके लिए उस यार के लिए अरे बने हो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए उसके लिए नहीं क्या आज ये सोच के आए थे घर से कि हम आदमी के पीछे चलेंगे नहीं चाहे वो गरिस्तु चाहे वो त्यागी जो मालिक से प्यार करता है वो एक ही चीज सोच के आता है कि गुरु पीरशदे कामिल के वचनों पे 100 परसेंट चलेंगे और वचनों पे अमल करेंगे तो फिर ये आदमी कहां से आ गए क्या ये वायदा नहीं लिया गया था कि ऐसा नहीं करना सिर्फ मालिक से प्यार रखना सारी दुनिया से प्यार रखो लेकिन बेगरज नहीं स्वार्थ वो भूल गए सारी चीजें क्या ये वायदा किया गया था कि रोज दर्शन होंगे क्या ये वायदा किया गया था कि पास खड़े होकर रोज ही बातें किया करेंगे ऐसा तो नहीं जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे भावना अगर शुद्ध नहीं होगी तो कहां से भगवान जी आके आपके पास खड़े हो जाएंगे कि आजा बेटा दे दूं तेरे को प्यार मोहब्बत और भर दूं तेरी झोलियां भावना शुद्ध करो जरा सी बात होती है एक दूसरे के कान में फुस 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 वो वैसा है वो कैसा है अरे तू कैसा है ये सोचा कर कौन कैसा उससे क्या लेना है कहीं को तो यही होता है वो कैसे कपड़े पहन के आए खास करके बहनों को अच्छा इसने तो बड़ा टॉर निकाल रखा है तेरे से उसने सुरखी बिंदी मांग के ली है क्या क्यों बहनों आपसे मांग के लेते हैं तो उनकी मर्जी अगले लगा के आए नहीं लगा के आए आपका पेट क्यों दुख रहा है बिना वजह मैं कौन खाम खा वो बड़ी बात कहीं को यही होता है वो देखते रहेंगे अच्छा आ गया फिर हमें देख लेंगे पिताजी तो नहीं देख रहे हैं हम काय को देख रहे हैं आंखें बंद करे बैठे हैं हम तो जब वो हमें देखते हम उधर देखने लगे थे कि बेटा तू चला तो आ जा फिर उसको लगता अच्छा पिताजी ने तो नहीं देखा अपने को खुश 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 अरे आंखें खुली हैं जितना आपको दिखता है ज्यादा ही दिखता हूं इंसानी तौर पे भी पता नहीं क्यों बस आदतें बनी हुई हैं उसको देखा अच्छा ये कैसे लग रहा है? खड़ा आदमी है आदमी की तरह लगेगा जिन्न तो लगेगा नहीं ना ही अप्सरा या अप्सरी लगेगी ये तो सीधा है लेकिन ना जी आदतें जाती नहीं अरे राम की तरफ ध्यान दो भगवान की तरफ ध्यान दो सत्संग में आके बैठे हो सिर्फ मालिक से नाता जोड़ के रखो किसी से आपने क्या लेना है कोई भक्त ऊंचा है तो भी सत्कार नॉर्मल है तो भी सत्कार बस आप अपना करते रहो भक्ति करते रहो मालिक अपने आप खुशियों से लवरेज कर देगा तो सच्ची बातें हमें बतानी होती है ताकि आप सुधर जाएं और मालिक की खुशियों को लूट सकें आगे आपको स्प्र की तरह चुभती है तो क्या करें और अगर मक्खन मलमल की तरह लगती है तो फिर कहना ही क्या है सो मान लोगे अमल कर लोगे बदल जाओगे तो खुशियों से लवरेज हो जाओगे नहीं मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाते रहोगे उसमें हमारी कोई बदुआ नहीं है वो तो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा फल हर इंसान को भोगना पड़ता है